आज मैं जो कल का 21 डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा था उसके ऊपर दोबारा चर्चा करने लगा हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये आपके लिए, पंजाब की पूरी पब्लिक के लिए। ये आज का मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। 21 डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने जैसे क्रिकेट खिलाई वो तो सबको पता है, डिस्ट्रिक्ट में भी पता है, और जो डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी खिला रहे थे उनको भी पता है वो कैसे खिलाते थे, कैसे इनके साथ मिले हुए थे, और कैसे चुन चुन के उन्होंने बंदे लगाए, कहां से बंदे पकड़ के लाते थे कि क्रिकेटर ना आए, कोई क्रिकेटर ना कहीं डिस्ट्रिक्ट में बैठ जाए, वो हमें क्वेश्चन कर सकता है। उनके क्वेश्चन ना कराने के लिए ये बोने लोगों ने क्या गेम खेली थी, ये 40 साल से कैसे मूर्ख बना रहे थे। आपको टुक्कर डाल देते थे, आपको सिलेक्टर बना देंगे, 1200 रुपया दे देंगे, 1000 रुपया डेली दे देंगे। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं, जो आज का मुद्दा है, ये मुद्दा है कि ये पैसा जो स्टेडियम बने हैं, जो क्रिकेट का पैसा है, जो आप लोगों के क्रिकेटरों के लिए आया था, जो क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए आया था, वो कहां से आता था? ये पैसा जो बीसीसीआई इनको भेजती थी वो पैसा कहां से आता था? वो पैसा आप लोगों का पैसा है, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो पैसा कैसे आता था। ये बीसीसीआई जो टीवी राइट्स बेचती है, जो मीडिया राइट्स बेचती है, वो मीडिया राइट का पैसा इकट्ठा करती है। जो आप चैनल पे टीवी देखते हो, जो वो टीवी चैनल वाले पूरी दुनिया में 200 कंट्री में जब दिखाते हैं, उनसे पैसे इकट्ठे करते हैं, उसके लिए वो पैसा इकट्ठा करके, वो ही पैसा जो आपको बटा जाता है, वो पैसा बट के स्टेटों में आता है। वो पैसा कहां से आता है उनके पास? वो पैसा आता है मीडिया राइट्स जो बिकता है उस टीवी चैनल पे, एडवर्टीजमेंट्स आती हैं वहां, लाइफबॉय साबुन बिकता है जो आप खरीदते हो, वो कॉलगेट बिकती है, होंडा मोटरसाइकिल बिकती है, उस पे वो ऐड देते हैं, पेप्सी कोक की ऐड देते हैं जो आप लोग पीते, वो कंपनियां पैसा उनको एडवर्टीजमेंट में देती हैं, वो एडवर्टीजमेंट में जो पैसा देती हैं वही बीसीसीआई पैसा इकट्ठा करती है और स्टेटों को देती है। ये आपका पैसा है, ये आपका पैसा है जो इनको इन्होंने खा लिया है। इनको हमने मंदिर के पुजारी रखा था, जो बोरी भर के आती थी ये प्रसाद बांट देते, बाकी बोरी अंदर कर लेते थे। ये आपको सोचना है कि मैं कुछ कह रहा हूं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं। ये मुद्दा बहुत खतरनाक है, ये आपके पैसे से खेल रहे थे। और ये जो सरकारी नौकरियों में थे, क्या इन्होंने अपने पैसे से दुकानें खोली हैं? अपने पैसे लगाए थे इन्होंने स्टेडियम बनाने में? ये बीसीसीआई ने को पान मसाले की फैक्ट्री नहीं खोल रखी थी, मीडिया राइट्स बेचती थी वो मीडिया राइट्स लोगों के लिए। वो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, बार बार कह रहा है ये पब्लिक का पैसा, पब्लिक का पैसा है। और जो लोंडा साहब कह रहे हैं कि ये क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो हिंदुस्तान को इकट्ठा करती है और हिंदुस्तान की पब्लिक इसको भगवान मानती है, और इन लोगों ने क्या किया है आपके साथ, पब्लिक के साथ और क्रिकेटरों के साथ, ये आपको सोचना। आप किन लोगों के साथ जुड़े हो, क्यों उनके बार बार पैर चाटते हो? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आप सब इकट्ठे हो और अच्छी क्रिकेट खिला के दिखाओ। आप दिखाओ हम 2 साल में क्या कर सकते हैं। जैसे बिशन सिंह बेदी पंजाब में आए थे, उन्होंने बोला था, रजिंदर सिंह गई मेरे को कहता बार बार कि मैंने पहली जब स्पीच सुनी तो बिशन सिंह बेदी कहते थे मैं पंजाब को रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनाऊंगा। कहता हम हैरान हो गए सारे, हमने कहा ये कैसा बंदा, हमारी टीम बॉटम पे, ये पंजाबी रणजी ट्रॉफी चैंपियन की बात कर रहे हैं। कहता उसने हमारे साइकोलॉजिकल दिमाग में डाला कि आप दुनिया में नंबर 1 हो, आप कर सकते हो, अगर वो कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो तीसरे साल में रिजल्ट आ गया आपके सामने, उस रिजल्ट के बाद इनको शक हो गया कि ये तो हमें कहीं और ले जाएंगे। ये पुजारियों ने गेम अलग खेलनी शुरू कर दी, ये बोने लोगों ने उनको निकाल इसलिए दिया कि वो ऊपर ना आ जाए, हमारी पॉलिटिक्स खराब हो जाएगी। हम तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम क्रिकेट खिलाने थोड़ी आए हैं, हमें नेशनल चैंपियन थोड़ी बनानी है टीम, हमको ये कुछ नहीं करना, हमें तो ये क्रिकेट की पॉलिटिक्स करनी है। और ये प्लेयरों को घर के बाहर गेट पे खड़ा रखना है कि मेरे को ये कॉलगेट साबुन लिया और मेरे बच्चे की जिल्दे मरवा ला और मेरे ये खाना के अरेंजमेंट कर दे, ये चिकन रोस्टेड करा ला, ये रसगुल्ले लिया, ये समोसे लिया क्योंकि मेरे गेस्ट बैठे हैं। और इनके कमरे में एंटर करने से पहले इन्होंने इतना हवा बना रखा था कि स्टेडियम में एंटर करो तो आपको पूछना पड़े नीचे कि बैठे हैं, तो ये ऊपर से जवाब देते थे इनको वहां खड़े रखो। जो स्टेडियम हमारी कॉस्ट पे बने हैं, हमें वहां आज तक एक बार एंट्री नहीं मिली, पास की बात तो बहुत दूर। जो इनको ब्लॉक बनाने चाहिए थे कि यहां ये पुराने क्रिकेटर 100 बंदा नहीं है, टोटल पंजाब में फॉर्मर क्रिकेटर 100 नहीं है, लिविंग लिविंग मैं बात कर रहा हूं,
सौ बंदे को कभी इन्होंने इकट्ठा करके चाय नहीं पिलाई। मैंने 5 साल से इनको कोशिश करी जी 25 बंदे इकट्ठे कर लो, कम से कम क्रिकेट का भला हो जाए। जो आपने हमसे किया कम से कम बच्चों से तो ना करें। पर इन्होंने एक बार नहीं, ये बोने लोगों ने अब और गेम खेल ली, अपने बच्चों को पुजारियों ने अपने बच्चों को पूजा सिखा दी कि आप तबला बजाओ। किसी को मैंने आप गुरुद्वारे में तबला बजाने वाले सीखो, क्योंकि आपने तबला बजाना जो चढ़ चढ़ेगी आपकी है। इसको आप समझो, बहुत गौर से समझो। ये हाँ नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की स्टेट है, पूरा दुनिया देख रही है जो मैं बात कर रहा हूं। ये आपका पैसा है, ये पब्लिक मनी है, जिससे स्टेडियम बनते हैं, जिससे बॉलें आती हैं, जिसका पैसा आता है, वो आपके पैसे से खेला जा रहा है। ये मेरा पैसा नहीं है, इन्होंने घर से, ये सरकारी नौकरी करने वाले, क्या आप पूछो इनसे 1 रुपया भी इन्होंने कभी कॉन्ट्रीब्यूट किया? ये पेंशन जो दे रही सरकार, ये भी बीसीसीआई की फंडिंग आती थी, इसको भी इन्होंने बड़े ढंग से बोला। इस चैप्टर में बाद में कई थोड़े दिन बाद बोलूंगा कि ये कैसे करते हैं। इनको पेंशन देते थे तो इनको लगता था हमारे जेब से जा रही है, क्या बात करते थे। जब पानी की बोतल बिसलरी की छोटी पिलाते थे बच्चों को, तो इनको लगता है बिसलरी पी रहे बच्चे, ये पानी बिसलरी पीते बच्चे। अब भूल जाओ, आप बोने लोगों, आपको ग्राउंड में एंट्री नहीं मिलेगी। आप जो खेल खेल रहे हो, हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में भी, रजिस्ट्रार से भी अपॉइंटमेंट ले लिया, अमाइकस से भी अपॉइंटमेंट ले लिया। आपके सारे चिट्ठे जो है खोल के नंगे करके रखेंगे वहां। हमारी दोनों तरफ बात चल रही है, हमारी हमें तो मेरी हमारी जो चैनल पे फॉलोइंग है इतनी बढ़ती जा रही है। लोग, मेरे को कल पता चला कि अमृतसर में लोग स्पीकर फोन पे सुन रहे हैं, पूरी टीम बैठ के स्पीकर फोन लगा के सुन रही है, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। लुधियाना से फोन आया, कहते हम तो 500 बंदे इकट्ठे हो गए हैं। इनके पास तो 2 बंदे नहीं है, इन्होंने 2 बंदे बनाने थे, 2 चर्चे थे इनके पास, इनके पास तो नहीं आया 500 बंदा। ये बोले, ये चैनल खोल के बोले मेरे सामने, ये डिबेट करने आए। हम 5 बंदे बैठते हैं, ये अपने वकीलों के साथ बैठे हैं, चैनल के ओपन डिबेट करें। हम बता देंगे इनको ये क्या करते रहे 20 साल 40 साल, क्या किया हमने, कहां क्रिकेट थी, कहां ले गए। अभी बहुत सारी बातें पंजाब स्टेट की नहीं, हर स्टेट की हैं। ये टैलेंट हंट में कैसे करते हैं, जो टैलेंट है, कितने मिनट हो गए जरा चेक करो, 7:30। आज का चैप्टर यहां क्लोज करूंगा, क्योंकि बहुत लंबी जो वीडियो चलती नहीं है, तो मैं आज यहां बंद करूंगा। टैलेंट हंट की बात हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और इसको सोचो, बैठो, आप अपने बुजुर्गों के साथ बैठ के सुनो, और आप जो आपके जो बंदे पढ़े लिखे लोग हैं, वकीलों से डिस्कस करो कि मैं गलत कह रहा हूं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करो कि हंडा जो बात कर रहा है, जो मेरी पीसीपीए की टीम मेरे को गाइड कर रही है, जो हम चार्ट बनाते हैं जिसमें मैं बोलता हूं, जो मेरे साथी मेरे को बताते हैं सारा दिन में एनालाइज करके कि आज ये चैप्टर पे बात करनी है आपने, उस चैप्टर पे हमने बात करी है, उसी चैप्टर पे आप डिस्कस करो लोगों से कि क्या ये गलत कह रहे हैं, क्या मोहाली स्टेडियम इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मुल्लांपुर स्टेडियम इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो वायलेशन इन्होंने करी है वो आज भी मैं बताऊंगा। वो वायलेशन इतनी लंबी है कि मेरे को 3 दिन लग जाएंगे बताने, इसलिए वायलेशन की बातें हम अगली बार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।